हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया और उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब ढेर सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुँचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे हुए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि पहले शब्दों को तोलो और फिर बोलो, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। जैसे कि प्यार शरीर से, तेरे कमान से, उसी प्रकार अपने बोले हुए शब्द भी कभी अपने मुंह में वापस नहीं आते। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।